साउथ अफ्रीका ने 2-0 की अजय बढ़त इसमें ले ली। इसी के साथ कई सारे सवाल भी खड़े हो गए कि आखिर भारतीय टीम का इतना लचर प्रदर्शन क्यों रहा है, घर में शेर बाहर ढेर ऐसा क्यों हो जाता है। मनोरंजन भारती हमारे साथ है, इसके साथ साथ हमारे साथ कई खास हमारे सहयोगी भी इस पूरे विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा हमारा स्पोर्ट्स डेस्क बैठा है, जो जिसका काम ये होता है कि क्या चल रहा है भारतीय क्रिकेट में उसकी बारीकियों को जानते हैं। हमारे साथ शशांक हैं, हमारे साथ संजय हैं, हमारे साथ विमल मोहन भी हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा इस बात की करेंगे कि आखिर ये जो हमारा शेर है वो नंबर वन टीम जो है वो आखिर ढेर क्यों हो गई है, क्या जो है हमारे टीम में केवल एक ही बल्लेबाज है जिसका नाम है विराट कोहली, और क्या हमने पूरे दोनों टेस्ट मैच हम क्या इसलिए हारे हैं कि हमने जल्दबाजी में फैसले लिए, हमारे पास कोई ऐसी रणनीति नहीं थी, और हम क्या हम इसके लिए पिच को दोषी ठहरा सकते हैं। शशांक बाबा, मेरा बस इतना सा कहना है कि क्या हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई थी जब हम लगातार घरेलू ज़मीन पर 9 सीरीज़ जीत गए, क्या हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी जब हम वेस्टइंडीज़ में हरा कर आते हैं या श्रीलंका को हमने हराया श्रीलंकाई ज़मीन पर, वो ऐतिहासिक जीत ज़रूर थी, लेकिन क्या हमारी उम्मीदें ज़्यादा थी। थोड़ा सा आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो थोड़ा सा समझ में आता है। आप देखिए, आप कब जीते इंग्लैंड में पिछली बार, 2007 की सीरीज याद आती है राहुल द्रविड़ की कप्तानी में, उसके बाद फिर 2011 हारे, 2014 में आप हारे। आप ऑस्ट्रेलिया में जीते नहीं कभी, आप दक्षिण अफ्रीका में जीते नहीं, ये 7वीं सीरीज थी, 7ों में आपको एक भी जीत नहीं मिली है सीरीज में। उसके बाद आप न्यूजीलैंड में कब जीते, न्यूजीलैंड में भी आप हार कर आते हैं। तो ये जो चार जो सेना कंट्रीज हैं SENA, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आप जीतते नहीं है। वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो बाकी की टीमें हैं जिसमें से दो तो आपकी सबकॉन्टिनेंटल टीम है, पाकिस्तान के खिलाफ आप खेलते नहीं। एक सब के बावजूद जो श्रीलंका सीरीज हुई थी उसमें जीत के बाद जो हमारे कोच साहब हैं उनका एक बयान मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था वी आर रथलेस, वी आर गोइंग टू किल एवरीबॉडी। और आज लेकिन उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सॉरी विमल, उसमें एक चीज बस इतनी सी ऐड करना चाहूंगा कि श्रीलंका के खिलाफ जब हम श्रीलंका गए तब हम 3-0 से जीते, तब हमने 9 के 9 मैच हराए जिसमें 5 वनडे थे, 1 T20 था। अभी इससे दक्षिण अफ्रीका सीरीज से ठीक पहले वाली आप सीरीज देखिए जो भारत में हुई थी, वहां पर हम 2 टेस्ट मैच ड्रॉ किए हैं उन्होंने। तो आप मुझे ये बताइए तो आप मान क्यों नहीं जाते कि आप केवल इस सब कॉन्टिनेंट की नंबर वन टीम है, आप दुनिया की सब कॉन्टिनेंट की भी आप नंबर वन टीम कैसे कह देंगे जब आप पाकिस्तान से खेलते ही नहीं है। नहीं नहीं, आप मान लीजिए कि इस तरह के पिच में है यदि बाबा जितनी टीमें हैं वो सभी बाहर खेलती हैं और ऐसे ही हारती हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर नंबर 2 टीम रही है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 है, ये सारी टीमें दूसरी जगह जाके हारती है, सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, ऐसी कंट्री है, ऐसी टीम है जो बाहर जाके। इसमें गौर देने वाली बात है कि इसमें जो ध्यान देने वाली बात बड़ी बात यह है कि पहले टेस्ट में विराट कोहली ने कहा था कि पिच बुरी नहीं है, पिच फैंटास्टिक पिच है और उनके गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हम बहुत कम ऐसा होता है, इस हार से भी अगर हम पॉजिटिव देखें तो हमारे 4 पेसर्स कभी भी नहीं खेलते, दोनों इनिंग में आपको 300 के अंदर आउट कर रहे हैं, 300-350 के अंदर आउट कर रहे हैं, तो बॉलर्स ने आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी, आपके बैट्समैन फेल रहे हैं, चाहे बैट्समैन फेल हो चाहे बॉलर फेल हो। स्ट्रेटजी मुझे लगा कि जो बल्लेबाज हमारे हैं बिल्कुल भी प्रदर्शन ठीक से नहीं कर पाए, शायद यही वजह रही है। चेतेश्वर पुजारा पारी में लगातार दूसरी बार 2 पारी में लगातार चारों इनिंग में फ्लॉप है, पुजारा भारतीय बल्लेबाज इस तरह का नहीं जिसने जो लगातार 17 साल में ऐसा पहला मौका है जबकि कोई बल्लेबाज दोनों इनिंग में रन आउट हुआ है। तो बहुत सारे जो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि मैक्रो लेवल पे नहीं, माइक्रो लेवल पे भी गलती है। मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले कि आप पार्थिव पटेल को इस टीम में क्यों शामिल किया, आपने आपके पास क्या एक्सप्लेनेशन है, और अभी आपको दिनेश कार्तिक की याद क्यों आ रही है, वो क्यों जा रहा है वहां पे साउथ अफ्रीका। देखिए पार्थिव पटेल मतलब उनका रणजी में बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं रहा था, इन्होंने दिनेश कार्तिक को सेकंड ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए था शायद, जो कि अब सोच रहे हैं रिद्धिमान साहा की जगह शायद, और अब उन्होंने जैसी इनिंग्स खेली है उनके लिए काम भी खत्म हो गया सबसे, और मुझे लगता है कि बल्लेबाजी से ज्यादा वो जो विकेट कीपिंग में फ्लॉप किया जो कि अहम होता है विकेट के पीछे, खासकर इस तरह के क्या बात बोला आपने टीम चयन और रणनीति दोनों में असफल रहे हैं। हाँ। बार बार गावस्कर ने भी सवाल उठाए हैं कि हाँ। जो जिस तरह के रणनीति जिस तरह का प्लेइंग 11 था वो यहाँ पर नहीं खिलाना चाहिए था, बहुत उन्हें हैरानी हुई कि शिखर धवन को इस मैच से क्यों निकाल दिया गया, जो एक मैच से फ्लॉप करने के बाद शिखर धवन को निकाल दिया गया। सबसे पहले बात धवन टीम के बलि के बकरे हैं, बात पे जाता हूँ, विमल ने कुछ वैसी ही बात करने की कोशिश की है जो कि टीम मैनेजमेंट अब एक्सप्लेन करेगा जर्नलिस्टों को कि हम पार्थिव पटेल को इसलिए ले गए थे
कीपिंग अच्छा नहीं करते हैं लेकिन घरेलू में अच्छा है भाई। आप पार्थिव पटेल कीपिंग नहीं अच्छा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ कीपिंग जरूरी है क्योंकि जिस तरह के पिच है आप लेके क्यों गए भैया, वो उसको क्या साउथ अफ्रीका घुमाना था आपको। इसमें दो पॉइंट्स, आपका जो पॉइंट है उसी में दो बातें ऐड कर देता हूँ। वो ये कि पार्थिव पटेल अगर टीम में है, बेहतर बल्लेबाज है वो सही है, लेकिन वो टीम में है तो पहला उनका काम है विकेट कीपिंग, जिसमें फ्लॉप है, जिसमें कि वो फ्लॉप है। और वो ये सब बात मानते हैं, जैसा कि बाबा बार बार कह रहे हैं कि ये सब बात मानते हैं कि पार्थिव पटेल जो है वो बेहतर विकेट कीपर नहीं है, और इसीलिए वो पहली बार भी जब टीम में आए थे 17 साल पहले तब वो तभी बड़ा सवाल। आप ये डिबेट, रोहित पार्थिव अच्छा विकेट कीपर नहीं है, फिर टीम में गए अच्छा बल्लेबाज है, जिन लोगों ने भी वो मैच देखा जिसमें उसको चोट लगी है ऐसा लगा था कि उसको घायल हो जाएगा, बिना चेस्ट गार्ड के आ गया था चौथे दिन और पिच पे पड़ गया था वो। लेकिन बाबा पार्थिव से ज्यादा मुझे लगता है किसी खिलाड़ी पर सारा दोष मढ़ देना नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। वो भी होता है कि अगर आपका दिन अच्छा है तो आप अच्छा खेलते हैं, रोहित शर्मा जीत जाते हैं तो आप बहुत अच्छे होते हैं, हार जाते तो सारी कमी आपकी। अगर आपसे पूछना है संजय से, मैं सवाल पूछना उनको लाना चाहता हूँ कि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि एशिया सीरीज होती है इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कितनी सेकोसेंटली उसको खेलते, पवित्रता के साथ खेलते, पूरा ध्यान लगाया जाता है। हमारे ये हो गया कि नहीं जी आप जो है वनडे अलग खेलेंगे, T20 अलग खेलेंगे, टेस्ट की टीम आप खेलोगे, ये जो हमने इस तरह के जो सीमाएं बना दी, आपको लगता है ये भी एक जिम्मेदार, ये भी एक वजह है जो इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए हमारी तैयारी ही पूरी नहीं थी, इतने बड़े दौरा है, 2 महीने का दौरा है, उसमें आपको 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, 6 वनडे खेलने हैं, 3 T20 मैच खेलने हैं, उसके पहले कोई भी प्रैक्टिस मैच नहीं होता है, जबकि पहले एक प्रैक्टिस मैच दिया गया था और उसके पहले विराट कोहली सवाल उठा रहे थे जब श्रीलंका का सीरीज चल रहा था, तो ये सीरीज नहीं होनी चाहिए थी और भारत को तैयारी करनी चाहिए थी पूरी सीरीज की, लेकिन बाद में जो एक प्रैक्टिस मैच था उस मैच को भी हटा दिया गया, और उसके बाद जो वर्ल्ड नंबर 2 टीम से आप मुकाबला करने जा रहे हैं, जो अपनी जमीन पर जो दूसरों की जमीन पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अपनी जमीन पर तो शेयर है ही है, उस टीम के साथ आप बिना तैयारी के कैसे जा सकते हैं? आपको लगता है कि भारतीय टीम बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रही है, ये भी शायद एक वजह है? ये तो कोई वजह हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये वजह है तो IPL ना खेले भारतीय टीम, IPL 2 महीने का होता है, और ये वजह बहुत बार, ये वजह जो है वो विराट कोहली कई बार कह चुके हैं, ये वजह बार बार उठाई जाती है कि हमारे क्या ज़्यादा क्रिकेट का असर दिखाई दे रहा है, तो आप IPL मत खेलिए। इसका बड़ा सीधा सा जवाब है, जब आपने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ खिलाफ आपकी सीरीज थी, आपने कहा कि हम तो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका थोड़ा असर दिखेगा, और न्यूजीलैंड जो है वो साढ़े तीन महीने बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने आ रही है, जो कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खेलने आ रही थी भारत में, तो लेकिन हमने क्या किया, हम लगातार क्रिकेट खेल रहे थे उसके बावजूद हमने उन्हें सब मैचों में हरा दिया। इसका अंतर क्या है? इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में टीम मैनेजमेंट सोचेगी, पिच के अलावा अलग, कि आपको जैसे टेस्ट स्पेशलिस्ट है उनको आपको टेस्ट खिलवाना पड़ेगा, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मान लीजिए जो प्लेयर्स अभी खेल सकते थे उनको आपने पहले भेजा नहीं, 5 प्लेयर ऐसे थे जो नहीं खेल रहे थे वनडे, उनको वो पहले जा सकते थे, BCCI ने आपको ऑफर किया था वहां जाने को, और जब भी होता है ये हिस्टोरिकली हुआ है कि आपने प्रैक्टिस मैच लिया ही नहीं, मतलब इससे पहले मुझे याद नहीं है पिछले 20 साल में आपको जब भी मौका मिलता है ऐसा लगा कि जम के खेलने के बजाय T20 की तरह खेलने लगे, आखिर में तो एक के बाद एक जो विकेट गिरे हैं मनोरंजन, वैसे लगा कि लोग अपने विकेट गंवा रहे हैं जानबूझकर। नहीं, मेरे को पिछली बार का भी याद है, 2013 में भी हम 2.5 दिन पहले पहुंचे थे और उसमें पहले वनडे सीरीज थी, उसके बाद उसका फायदा हो गया तभी रणनीति, लेकिन वनडे सीरीज हमारे श्रीलंका के साथ सीरीज थी, उसमें गावस्कर का ये कहना था कि हम टेस्ट को बाद में रखते हैं, श्रीलंका के साथ जो हमारी सीरीज थी तो टेस्ट के बाद टेस्ट में हम खेल, वहां पर साउथ अफ्रीका में टेस्ट खेल रहे होते या फिर वहां पर वनडे को पहले रखते, क्योंकि हम जो टीम को है मोड चेंज करने में काफी दिक्कत होती है, एक आप लास्ट में वनडे, लास्ट में आपने T20 खेला उसके बाद आपने टेस्ट खेला, और आपने देखा होगा जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी तो उन्होंने जैसा कि विमल बता रहे थे कुछ खिलाड़ी को पहले भेज देना चाहिए था, तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आई थी तो कुछ खिलाड़ी को पहले दुबई भेजा गया था, वहाँ उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ अभ्यास किया और स्पिन, खास करके स्पिन का अभ्यास किया, हालांकि ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ लेकिन पहला टेस्ट वो जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन मुझे आप ये बताइए जो इस टीम की जो रणनीति रही है उस पर आप कुछ बात कर लेते हैं, पार्थिव पटेल की हमने बहुत सारी बात कर ली, आप पार्थिव पटेल को इसलिए उस दिन भेजा गया रोहित शर्मा की जगह की बोला लेफ्ट हैंड कम्बिनेशन चाहिए, तो फिर शिखर धवन बाहर क्यों है? शिखर धवन को लेकर सुनील गावस्कर ने भी सवाल उठाया कि उनको बलि का बकरा बनाया गया, शायद वो जो गलती है एक टेस्ट में अचानक आपने बाहर कर दिया, और वो जिस तरह से जैसे फर्स्ट इनिंग में आउट हुए पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए, ऐसा नहीं कि उनको गेंद बाहर निकल रही है, तेज गेंद आ रही है और बाहर में जाके आउट हुए, तो ये गावस्कर ने भी सवाल उठाए और ये एक जायज सवाल है। उनको लेकर आंकड़े भी ऐड कर देता हूँ,
सुनील गावस्कर ने ये हमारे शो के दौरान भी यही बात कही थी शिखर धवन को लेके कि जब भी कोई ऐसी बात आती है सबसे पहला खिलाड़ी जो बाहर किया जाता है वो शिखर धवन है। क्यों शिखर धवन बाहर जाए? क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट बॉल अच्छी नहीं खेलते, शॉर्ट बॉल दो फेंकी जाती हैं ओवर में, लेकिन मुरली विजय लगातार आउटस्विंग पे आउट हुए हैं और आउटस्विंगर जो है वो छह की छह फेंकी जा सकती है, ये लॉजिक आप इसका जवाब दीजिए। फिर आप शिखर धवन के आप एवरेज और रिकॉर्ड्स देखिए, विदेशों में उनकी एवरेज अभी 42 कुछ है 2-3 की, तो विदेशों में उनकी औसत इससे ज्यादा है 43 कुछ है, यानी वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं विदेशों में। फिर 6 उन्होंने लगाए हैं अभी तक टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 5 भारतीय जमीन पर नहीं है, विदेशी जमीन पर है। वाह वाह क्या बात कही शशांक, और उसके बदले आप उसको बैठा करके रोहित शर्मा को ले जाते हैं जिसकी एवरेज कितनी है 25 की औसत है उनकी विदेशों में, 19 है हाँ, इसमें 25 उनकी विदेशों में कुल अगर देखा जाए 16 टेस्ट मैचों में तो 25 से कम हो गई है, 25 के करीब की उनकी औसत है। साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो इस पारी से ये जो 47 रन की पारी है इससे पहले तक उनकी औसत 11 की थी। वाह वाह क्या टीम चुनती है, मतलब क्या मैनेजमेंट हमारी क्या टीम चुनती है, शायद कोच अखिलेश जवाब दिए अखिलेश क्या हमारी मैनेजमेंट टीम चुनती है। और आपको थोड़ा पीछे लिए चलूंगा, जो हमारी बात आपको याद होगा कि हुई थी कि जब हम लोगों ने अपना कोच चुना था, कोच चुनने को लेकर जो राजनीति भी हुई थी उस पर भी हमारी बातचीत हुई थी कि आखिर कप्तान की पसंद का कोच क्यों होना चाहिए। तो लगता है कि आज ये समझ में आ रहा है कि इसलिए होना चाहिए कि आप अपनी मनपसंद के खिलाड़ी जो हैं उन्हें टीम में रख सके। हालांकि बाद में सवाल याद आते हैं रोहित शर्मा मतलब गलत फिक्स हुए बीच में, जो एक जिनको कहा जा रहा था कि बैलेंस होंगे वो सबसे बड़ा डिसबैलेंस साबित हुए हैं। अगर आप 4 लगातार फ्लॉप करते हैं वहां जहां मिडिल ऑर्डर में, जहां कि आपको सबसे टैलेंटेड और माना जाता है कि या तो आप पारी संभाल लेंगे या स्पीड अप करेंगे, मतलब अगर रन की ज्यादा जरूरत पड़ी तो आप तेजी से रन बना सकते हैं, आप इनफॉर्म बैट्समैन है, आपके लिए और भुवनेश्वर के लिए अलग अलग रूल बनाए गए, वहां वो फॉर्म में थे तो उनको हटाए गए। यहाँ पर कप्तान तर्क ये दे रहे थे कि जो फॉर्म है हालिया फॉर्म है ना उन खिलाड़ियों को पहले टेस्ट में खिलाया गया, लेकिन आपको टेस्ट का खिलाड़ी को आप अलग रखते हैं तो आपको अजिंक्य रहाणे को मौका देना चाहिए था, और ओपनिंग जो करानी चाहिए तो केएल राहुल से करानी चाहिए थी, भले ही उनका फॉर्म नहीं है लेकिन फॉर्म तो आते जाते रहता है, क्लास हमेशा रहता है। और रहाणे तो रहाणे का रिकॉर्ड है, साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड है, रहाणे तो नियम बदल दिया वहां पे, उन्होंने रूल ही चेंज कर दिया कि वो फॉर्म में नहीं है, और भुवनेश्वर जबकि फॉर्म में थे तो वहां पे उन्होंने बेस्ट के इस्तेमाल किए आपके फोर्सेस फॉर कोर्सेस करके। लेकिन मैं ये रोहित शर्मा वाले पे थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, जब भी विदेशी दौरे होते हैं, वो पिछली बार जब 1.5 हम रोड पे थे बाहर थे विदेशों में, तब भी रोहित शर्मा लगातार सारे मैच खेल रहे थे, 16 टेस्ट खेल चुके हैं विदेशों में, तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब वो सारे टेस्ट मैच खेलते हैं। इससे पहले जो 15 टेस्ट मैच खेले हैं विदेशों में उनके 2.50 हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 15 टेस्ट मैचों की करीब करीब लगभग 30 पारियों में वो 2 अर्धशतक उन्होंने बनाए। बड़ी बात है उनको 100 से उसके बावजूद वनडे खेलने का अनुभव, ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल उनके पास अनुभव नहीं है। थोड़ा सा बहस को मैं दूसरी तरफ लेना चाहता हूं शशांक। दूसरी बात अब ये की जो टीम रैंकिंग है उसको लेकर के भी सवाल उठते कि अब देखिए अब आप मुस्कुरा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन कागजों पर तो नंबर 1 टीम हमारी है, तो आपको लगता है कागजों पर तो मैदान में भी होनी चाहिए। देखिए ये रैंकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, रैंकिंग है। अब मैं जो टेलीविजन की रेटिंग मैं बिल्कुल उसी पे ही बोलने वाला था, बाबा ने पहले बोल दिया तो उसमें ज्यादा विस्तार पे नहीं जाते हैं, लेकिन ये रैंकिंग उसी तरीके से है ना अखिलेश, कि क्या होता है कि आप घर पर जितनी टीमें बुलाते जाएं वो उतनी टीमों के साथ आप जीतते जाएं। अभी 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 जून में हमें बहुत अच्छा मौका मिलने वाला अफगानिस्तान के साथ, वहां पे कोई डबल सेंचुरी कोई ट्रिपल सेंचुरी मारेगा और फिर हम ताली बजाना स्टार्ट कर देंगे। अगर तीसरा टेस्ट भी अगर हम हार जाते हैं, अगर बोल रहा हूं मैं रैंकिंग के हिसाब से हम नंबर 1 ही रहेंगे, क्योंकि हमने गैप इतना बना लिया है ना पिछले 2.5 में, हमने घर पे सबको बुला बुला के हराया है। अफगानिस्तान से जीत के फिर हम स्कोर मजबूत कर लेंगे, स्कोर ज्यादा छोड़ देंगे। अफगानिस्तान से तो जीत कर हमारी रैंकिंग मजबूत नहीं होगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप रैंकिंग पे इसीलिए नहीं जा सकते। लेकिन फिर इसमें एक अहम बात आती है जो विमल ने कही, वो बात ये है कि आज सब टीमों के हालात यही है कि अपने जब हम इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड ने इसी तरीके की हमारे साथ बात की कि आप इंग्लैंड में आइए तो हम देखेंगे, तो इंग्लैंड में ही क्यों आए आप, भारत में आके भारत को क्यों नहीं हरा पा रहे जी, भारत क्यों इंग्लैंड में जाके देख रहे, भारत के लिए बाकी और भी टीमों के लिए हम लौटेंगे इस बहस पर। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान के बाद आप पापुआ न्यू गिनी की टीम को बुला लीजिएगा, वहां पे आजकल अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल रहा है, वो चल रहा है, और भारतीय टीम ने बुरी तरह से उनको हराया।